हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे और हम लोगों पर भी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आइडिया लग गया होगा कि मैं किचन में हूँ इस टाइम पर। मैं यहाँ पे छोंक रही हूँ सब्जी। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी फ्रेंड्स, दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को। ये देखिए आलू और पत्ता गोभी, छोंक रही हूँ अभी मैं सब्जी। फैन बंद कर भी शोर हो रहा होगा आप लोगों को, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग पत्ता गोभी खाते हैं या नहीं, आप लोगों के यहाँ किसको किसको पसंद है किसको नहीं, प्लीज कमेंट में बताइएगा। मेरे यहाँ तो सबको पसंद है। सर्दियों में पत्ता गोभी, मटर डाल दो। मटर अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं खाली पत्ता गोभी और आलू बना रही हूँ। वरना मटर वगैरह डालकर बनाओ तो बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार होती है सर्दियों की। बनाइए पराठा पूरी, किसी से भी खाइए। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मसाला इसमें मिक्स कर रही हूँ। और मैं अपना वीडियो भी शूट कर रही हूँ लगे हाथ। बस आप लोग अपना प्यार मोहब्बत सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ढक दूंगी। इसको फ्रेंड्स मैं बिना पानी के ऐसे ही पकाऊंगी, धीरे धीरे धीमी आंच करके। बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ रख दो तो इधर उधर गिरने का डर है। फोन पानी वगैरह में चला जाए तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा, वीडियो वगैरह मेरा सब बनाना। इसलिए मैं हाथ में ली हूँ, शूट कर रही हूँ। मैं लगाऊंगी आटा, तो मैं आटा निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आटा को, जब मेरे आटा आता है तो मैं इकट्ठी छान कर रख देती हूँ। रोज रोज छानने का झंझट मैं खत्म कर देती हूँ। जब आटा गूंदना हो तब छानो उसको। ये देखिए मैं छान कर ही भर देती हूँ, रोज रोज छानने वाला झंझट ना रहे। अब मैं आटा को लगाऊंगी। अब मैं इसको गूंथ लूं और इसको गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए मैं रख देती हूँ। फिर मैं रोटी बनाती हूँ। फोन को मुझे रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब मेरा दोनों हाथ बिजी होने वाला है। हस्बैंड मेरे आ गए हैं, उनको लगी है भूख, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेरा खाना। ट्राईपोर्ट यहाँ रख नहीं सकती फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी इसके स्लब इतनी चौड़ी नहीं है कि मैं यहाँ मैनेज कर पाऊँ। तो मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, वरना उसको रखूंगी तो मेरा फोन वगैरह कहीं गिर गिरा गया।
आफत आ जाएगी। आवाज आप लोगों को पता नहीं क्लियर आ भी पा रही कि नहीं। अब मैं आटा को लगाने जा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पानी का जग ले लिया है, खाली आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि फोन ऐसे रख रखा है, तो मैं पानी दिखा रही हूँ आप लोगों को, दिख रहा होगा कि मैं डाल रही हूँ आटे में और गूंथ रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी या पराठा जो खाएंगे ये लोग। फ्रेंड्स आप लोग कैसे, क्या किचन में हो, कहाँ हो, कहाँ से देख रहे हो ये? तो हम लोग क्या, मैं ही हूँ अभी तो यहाँ, तो मुझे ये नहीं पता, पर मैं तो इस टाइम पे किचन में हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज प्लीज आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं, पर मेरे बड़े वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देते आप लोग। तो प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बड़ी भी वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी नहीं है। मैं अपने जैसा कि हर वीडियो में कहती हूँ ये सब कि मैं, हम लोगों का काम है फ्रेंड्स, हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करना हमारा काम है, पर सपोर्ट करना आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार है, हमारा नेट खर्चा करना बेकार है और टाइम भी हमारा, जो हम अपना काम करते करते वीडियो शूट करते हैं या जब लोग काम करके सो जाते हैं तब हम लोग अपना वीडियो शूट करते हैं, मेहनत करते हैं रात में या दिन में जब भी।